नमस्कार दोस्तों, टाइडल्स ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, कोई भी नई एडवर्टाइजमेंट आए, कोई भी नई नोटिफिकेशन आए तो हम आप तक उसके बारे में जो जानकारी अवेलेबल होगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। वैसे ही अब 2021 की SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की एक नई एडवर्टाइजमेंट आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 अक्टूबर 2021 को आई हुई है। और यह पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो आई है इसके बारे में जानने के लिए आज यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, आपका प्यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं आपने उसको सराहा है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यह वीडियो को भी आप लाइक करें। आपके कोई भी चाहने वाले हो या फिर आपके जान पहचान में जो हो उनको अगर ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज ये वीडियो शेयर करें। और अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए आप सब लोग इस वीडियो को देख रहे हो। ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो आई है ये है SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और किस लेवल की? प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल की। दोस्तों, पिछले महीने में बहुत सारी एग्जामिनेशन आई। हमने जो वीडियोस देखे, TJSB बैंक की आई, विद्या सहकारी बैंक की आई, NISCL की आई, ओके, वैसे ही आज 5 अक्टूबर को SBI की भी नोटिफिकेशन आई हुई है। ऑलराइट, यहां पर जानने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जामिनेशन के लिए डेट्स कौन से हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस एग्जामिनेशन के लिए है 5 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021 और उसी ड्यूरेशन में आपने आपकी एप्लीकेशन फी भरनी है। और ये फॉर्म आपको कहां मिलेगा उसकी वेबसाइट उन्होंने इसी नोटिफिकेशन पर दी है, bank.sbi/careers या फिर sbi.co.in/careers। यहां पर आपको जाना है। अगर आप नए कैंडिडेट हो आपको अपने आप को रजिस्टर करना है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर और फिर आपका फॉर्म भरना है। ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन 3 फेज में होने वाली है, phase 1, phase 2, phase 3, और उन फेजेस पे क्या क्या होगा हम इस वीडियो में जरूर जानेंगे। यहां पर उन्होंने देखिए बहुत ही कैटेगोरिकली डेट्स के बारे में बताया है कि इस पूरे नोटिफिकेशन में अगर हमारे पास कोई श्योर शॉर्ट डेट है वो है फॉर्म भरने की। 5 अक्टूबर 2021 को फॉर्म चालू हो रहे हैं और 25 अक्टूबर 2021 को फॉर्म खत्म हो रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन डेट क्या है? उन्होंने कहा है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट है नवंबर या तो दिसंबर 2021, और अगर उस मंथ में ये एग्जाम हो रही है तो उसके कॉल लेटर्स यानी आपका हॉल टिकट डाउनलोड करने का टाइमिंग जो होगा फर्स्ट या तो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2021। फर्स्ट या तो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2021, कोई फिक्स डेट नहीं है दोस्तों। सो ये एक हमारा दायित्व बनता है कि इनके वेबसाइट पर हमें चेक करते रहना है। हम गाइडेंस ग्रुप जैसे ही ये आएगा नोटिफिकेशन हम आपके पास ये इंफॉर्मेशन जरूर लाएंगे। लेकिन आप एज ए कैंडिडेट भी आपका एक दायित्व है कि आपके करियर के लिए आपने ये ध्यान रखना है। सेकेंड फेज टू मेंस एग्जामिनेशन कब होगी? तो उन्होंने कहा है दिसंबर 2021, इस मंथ में ये एग्जाम होगी ही होगी। ऑलराइट, और डिक्लेरेशन जो प्रीलिम का होगा वो दिसंबर 2021 में ही होना है। मेन एग्जामिनेशन के कॉल लेटर यानी हॉल टिकट आपने डाउनलोड करनी है वो आएंगे आपको सेकेंड या तो थर्ड वीक ऑफ दिसंबर 2021। ऑलराइट, ये डेट्स आपको ठीक से याद हो गई। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। उन्होंने कहा है कि दिसंबर में अगर मेंस होगी, फेज टू होगी, तो उसका रिजल्ट आएगा जनवरी 2022। ऑलराइट, जनवरी 2022। और अगर आप फेज थ्री के लिए क्वालिफाई करते हो यानी इंटरव्यू या ग्रुप एक्सरसाइज के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपका कॉल लेटर आएगा फर्स्ट या तो सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी, यानी जनवरी में रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट या तो सेकेंड वीक फेब्रुवरी में आपको कॉल लेटर आएगा जो आपको डाउनलोड करना है। और आपकी इंटरव्यू लगभग होगी सेकेंड या तो थर्ड वीक ऑफ फेब्रुवरी और उसका फाइनल रिजल्ट आएगा आपका फरवरी या तो मार्च
2022, ओके। सो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग अक्टूबर से लेके मार्च तक आप पूरे ऑक्यूपाइड हो, इस एग्जामिनेशन का विंडो ही लगभग अक्टूबर से मार्च है, तो उस पर हमें ध्यान रखना है। कहीं पर भी कोई भी चेंजेस आते हैं तो गाइडेंस ग्रुप आपको जरूर बताएगा, लेकिन बस आप ये विंडोज, ये डेट्स की जो विंडोज इन्होंने जो दी है उस पर याद रखें। 5 अक्टूबर को फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, और फेज वन आपका कॉल लेटर फर्स्ट या तो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आएगा। एग्जामिनेशन की एग्जैक्ट डेट नहीं है लेकिन टेंटेटिव है नवंबर या तो दिसंबर 2021, ओके। बहुत ही जल्दी जल्दी ये लोग करने वाले हैं, ये एक प्रकार से बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम हो गई और जल्द से जल्द रिजल्ट भी निकाल देंगे, वरना बहुत सारे लोगों के एग्जामिनेशन ऐसे हुए हैं पहले भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग, कि उनके रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, बहुत महीने हो चुके हैं। तो ये उन्होंने एटलीस्ट विंडो जो दी है नोटिफिकेशन में उसको वो बांधिल है और वो जरूर इसको फॉलो करेंगे, ये मैं बहुत ही ईमानदारी से चाहता हूं और ये मैं जानता हूं कि होगा ही होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार कितनी है देखो दोस्तों, 2056 टोटल वैकेंसीज यहां पर आई है। जनरल कैटेगरी के लिए 810 वैकेंसीज, बहुत ही बड़ा नंबर है ये, एंड बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहां पर स्क्रीन पर देख ही सकते हो। ये अच्छा एडवर्टाइजमेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कोई कह सकता है शायद कम है, लेकिन मेरा मानना है कि रेगिस्तान में गुलाब खिला है, आप उसको दोनों हाथ से पकड़िए, उसके पास जाइए, उसको निहारिए। तो यहां पर 2000 से ज्यादा सीट्स आई हुई है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी बच्चे सालों से इसके लिए पढ़ रहे हैं और पिछले साल भी जिन्होंने दी थी, इस बार आने वाले हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से जाने ना दे। इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे बच्चों को मैं आज एक डिस्क्रिप्टिवली थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं जानबूझकर, कि ये सवाल हमें बहुत बार फोन पर आते हैं, ईमेल द्वारा आते हैं, तो मैं बस बताता हूं कि ओबीसी कैंडिडेट रहेगा तो उस कैंडिडेट के पास नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। अगर उस कैंडिडेट के पास नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज आप अपना फॉर्म जनरल कैटेगरी से ही भरेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आज आपने फॉर्म भरा है जनरल और बाद में आप नॉन क्रिमिलेयर लाओगे, ऐसा यहां पर होगा नहीं, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको उसके डिटेल्स भरने होते हैं। कहीं पर भी डिस्क्रिपेंसी रहेगी, गलत होगा, तो बैंक के हाथ पर यह पावर है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल करे या ना करे। तो हमें कोई भी किसी भी हालत में गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, किसी भी हालत में ये होप में नहीं रहना है। आज हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स को पकड़ के हमने ये फॉर्म भरना है, सिंपल। ऑलराइट, यस। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ग्रेजुएशन तो किसी भी फील्ड में है, डिस्टेंस एजुकेशन भी चलेगा, ऑलराइट, ये आप सभी जानते हो, लेकिन उसकी अकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, 31 दिसंबर 2021, ये आपका अकेडमिक क्वालिफिकेशन ईयर है, या इस विंडो में आपकी अकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। यहां पर ये भी मेंशन है कि फाइनल सेमिस्टर में कोई है बच्चा, या फाइनल ईयर में या फाइनल सेमिस्टर में है, ओके, और रिजल्ट अवेटिंग है, यानी आज हम 2021 में अक्टूबर में है, ऑलराइट, और किसी बच्चे ने मे बी अप्रैल या मई में उनकी फाइनल सेमिस्टर दी हुई है लेकिन रिजल्ट अवेटिंग है, ओके, वो बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं, वो एलिजिबल है, प्रोवाइडेड उन्होंने क्या कहा है कि इंटरव्यू के वक्त आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट चाहिए। तो इंटरव्यू टेंटेटिवली कब है, यहां पर उन्होंने कहा है ये फरवरी या तो मार्च 2022, तो तब तक तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो इस देश की, तब तक तो आपको आपका रिजल्ट दे ही देगी। तो फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट जिन्होंने अपनी फाइनल सेमिस्टर दी हुई है, ऑलराइट, यानी उनका एकेडमिक ईयर होगा 2021-22, ये आप प्लीज याद रखिए, 2021, जिनका एकेडमिक ईयर होगा फाइनल ईयर का 2020-21 और 21-22 वाले नहीं, याद रखिए, ऑलराइट। नेक्स्ट उन्होंने कहा है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सीजीपीए करती है, मार्किंग सिस्टम आपका सीजीपीए है, तो प्लीज उसको एक रिकॉग्नाइज कन्वर्जन फॉर्मूला जो होगा परसेंटेज का,
उस परसेंटेज में ही आपने फॉर्म भरना है, प्लीज ये याद रखिए। और ये परसेंटेज होगा आपका एग्रीगेट मार्क, ऑलराइट। एग्रीगेट यानी आपके सारे सेमिस्टर्स के नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और सारे सेमिस्टर्स के जितने भी स्कोर है उसका आपको एग्रीगेट निकालना है, और दैट एग्रीगेट हैज टू बी ट्रीटेड क्लोज टू ए राउंडेड फिगर, ओके। यानी 60% आपने मेंशन करना है, समझो आपने 59.99% किया तो इट विल बी कंसिडर्ड लेस देन 60% एंड नॉट मोर देन 60%, ऑलराइट। एज लिमिट यहां पर दी हुई है, इंक्लूसिव डेट्स और एक्सक्लूसिव डेट्स प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को समझना है कि 1 अप्रैल 2000 को जो पैदा हुए हैं या उसके बाद जो पैदा हुए हैं, और 2 अप्रैल 1991, ऑलराइट, सो सॉरी 2 अप्रैल 1991 को जो पैदा हुए हैं और उसके बाद जो पैदा हुए हैं, और 1 अप्रैल 2000 के पहले, ऑलराइट, जो पैदा हुए हैं, सो 2 अप्रैल 1991 से लेकर 1 अप्रैल 2000 तक, ऑलराइट, जो है इस विंडो में जो बच्चे आते हैं वही क्वालिफाई करेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। ऑब्वियसली बाकी जो एज रिलैक्सेशन जहां जहां लागू है वो वहां पर है ही है, लेकिन आप प्लीज अपनी डेट्स अच्छी तरह से जाने, ऑलराइट। एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं जो कॉल आते हैं उनके लिए बस यहां पर बता दूं कि यस, आपके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है, यानी 30 अगर यहां पर है अपर एज लिमिट फॉर जनरल तो आपकी एज लिमिट होगी 35, ओके। और कौन एक्स सर्विसमैन एलिजिबल है, जिन्होंने मिनिमम 5 ईयर्स सर्व किया है, ओके, वही एक्स सर्विसमैन है। बाकी ये जो बेसिक डिटेल्स है, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या एक्स वाई जेड, जितने भी क्राइटेरिया है यहां पर है, लेकिन इस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन पढ़ते वक्त मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद दिखाई दिया जो कि मुझे यहां पर बताना है कि नोटिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि जब भी गाइडेंस ग्रुप के ऑफिस में अगर कोई आता है या कॉल पर कोई पूछता है तो हमें भी बहुत सारे आश्चर्य होते हैं कि कैसे इन लोगों को ये पता नहीं इंफॉर्मेशन। तो नोटिफिकेशन पर भी जो ऑफिशियल लिखा है वही मैं पढ़ देता हूं आपको, आप समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन के 3 सेक्शंस है, ओके, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, 30, 35, 35, 100 टोटल क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और 60 मिनट्स आपके पास है, ऑलराइट। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, देयर विल बी एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, नो सेक्शनल कट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, नो सेक्शनल कट ऑफ, ऑलराइट, यानी एग्रीगेट स्कोर है आपके सब्जेक्ट्स का, ओके, सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखा जाएगा। मे बी इंग्लिश में 1 मार्क है लेकिन बाकी दोनों में आपके फुल मार्क है और आप ओवरऑल कट ऑफ पार कर रहे हो, यू गेट थ्रू, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, याद रखिए। और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो लोग मेंस के लिए यानी फेज 2 के लिए सिलेक्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी यहां पर आज अगर जनरल कैटेगरी के 800 वैकेंसीज इन्होंने दी हुई है, इंटू 10 यानी 8000 कैंडिडेट्स फ्रॉम जनरल कैटेगरी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस, यानी फेस 2 के लिए 8000 बच्चे क्वालिफाई होंगे। टोटल यहां पर 2000 सीट्स है तो इंटू 10 कर लीजिए, मैं जानता हूं आपको उतनी मैथ्स तो आती ही होगी। मेंस में उन्होंने क्या कहा है कि यहां पर 2 फेजेस की मेंस है, 2 सब पार्ट्स है मेंस के, पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का एंड दूसरा पार्ट है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का, ऑलराइट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगी जो है 50 नंबर की, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है 200 नंबर की, ओके। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं ये चेक कीजिए, और टॉपिक्स कौन से बढ़ गए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये एक सेक्शन माना जाएगा जिसको 60 मार्क है, 45 क्वेश्चंस है और 60 मिनट है। सेकेंड सेक्शन है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, DI बेसिकली एंड DA, 33 क्वेश्चंस है, 60 मार्क है, 45 मिनट दिए गए हैं। तीसरा सेक्शन है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, ऑलराइट। यहां पर आप बहुत ही अच्छा गेम खेल सकते हो इस सेक्शन में अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क, 35 मिनट, ओके। इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट है, 35 क्वेश्चन, 40 मार्क, 40 मिनट,
सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 है, 200 मार्क आपको दिए गए हैं और 3 घंटे की एग्जामिनेशन है। जब आपकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट के 3 घंटे खत्म होंगे उसके उपरांत ही, उसके बाद ही आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ओपन होगी जो 30 मिनट की होगी, जहां पर आपको लेटर राइटिंग एंड एसे करना है और 50 मार्क टोटल होंगे। यहां पर नोटिफिकेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना कि यहां पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। उन्होंने कहा है कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 2, यानी नो सेक्शनल कट ऑफ, वापस सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स आपके देखे जाएंगे और फिर आगे आपका डिस्क्रिप्टिव लिस्ट देखी जाएगी। ऑलराइट, यहां पर देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने लिए जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ द अप्रोक्सीमेट। ऑलराइट, 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेट कैटेगरी की जो है नंबर ऑफ सीट्स है, यानी यहां पर समझो 100 सीट्स होगी तो इंटू 3 कर लो, 300 सीट्स यहां पर, सॉरी 300 बच्चे नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट किए जाएंगे। ऑलराइट, नेगेटिव मार्किंग बोथ प्री एंड मेंस में आप जानते ही हो, 1/4 मार्क्स ही है, इसमें कुछ छुपा नहीं है, ये कन्वेंशनल है, आप जानते ही हो। फेज 3 में क्या होगा? ऑलराइट, फेज 3 में क्या होगा, उन्होंने कहा है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग कुछ चेंजेस शायद हम करें। उन्होंने कहा या तो सिर्फ हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे टोटल 50 मार्क का, नहीं तो इंटरव्यू 30 नंबर का और ग्रुप एक्सरसाइजेस हम करेंगे 20 नंबर के। तो याद रखिए जब आपका कॉल लेटर आएगा, जब आप, मैं जानता हूं आप लोग सिलेक्ट जरूर होंगे, ओके, जब आपका कॉल लेटर आएगा तो आपको जानना है कि सिर्फ इंटरव्यू है, तो अगर वो रहा तो 50 नंबर के लिए है, और अगर इंटरव्यू विद ग्रुप एक्सरसाइज है तो 30 और 20 नंबर के लिए। ऑलराइट, फाइनल सिलेक्शन आपका किया जाएगा मेंस फेज 2 एंड फेज 3 के नंबर पर। ऑलराइट, फेज 2 एंड फेज 3 के नंबर पर, प्रीलिम फेज 1 इज ओनली क्वालिफाइंग, प्लीज आप ये बात याद रखें। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताई है कि मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट्स इन फेज 2 विच इज टोटल आउट ऑफ 250 मार्क्स, 250 मार्क का, विल बी कन्वर्टेड आउट ऑफ 75 मार्क्स, एंड जो फेज 3 में 50 नंबर है विल बी कन्वर्टेड आउट ऑफ 25 मार्क्स, एंड आपका टोटल एग्रीगेट बनेगा आउट ऑफ 100 मार्क्स, और उसके ऊपर आपका सिलेक्शन डिटरमाइन किया जाएगा। मैं जानता हूं यह कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन अब फिलहाल हम, मैं उस पर ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ये एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, वहां पर पहुंचेंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, बल्ले बल्ले, बाद की बातें देखेंगे, डोंट वरी, उसका लोड मत लीजिए कि क्या वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, कैसा है, क्या होगा नहीं होगा, उस पर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वहां तक हम पहुंचेंगे, मेहनत करेंगे और जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल्स, नोटिफिकेशन में कैसे फॉर्म भरना है, फोटो कैसे एडिट करना है, ये कन्वेंशनल चीजें आप जानते ही हो, आप वो कर सकते हो और मैं जानता हूं आप अच्छी तरह से भरोगे। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आए, किसी भी चीज पर दिक्कत आए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप जरूर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, आपकी सहायता इस बारे में जरूर करेंगे। आप प्लीज देखिए, याद रखिए, इंपॉर्टेंट डेट है, 5 अक्टूबर को फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 25 अक्टूबर को फॉर्म खत्म हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म भरे और ये अपॉर्चुनिटी को आपके करियर में जरूर बदले। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर पसंद आए लाइक कीजिए, और अगर आपको, आप नए आए हो चैनल पर तो जरूर हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपको गाइडेंस ग्रुप चैनल पसंद आ रहा है, लोगों को इसके बारे में बताना चाहे तो जरूर शेयर करें। थैंक यू एंड गुड लक।